मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर वोटिंग की तारीख की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनावी रण में तमाम नेता, चाहे वे भाजपा से हो या फिर कांग्रेस से, अपनी जुबानी तरकश से तमाम तीर छोड़ रहे हैं। अशोक सिंह को कांग्रेस सरकार पर राज्य मंत्री का दर्जा देकर अपेक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा, मैं खुले मंच पर कमलनाथ पर लगा रहे आरोपों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अशोक सिंह से खास बातचीत की हमारे एसोसिएटेड न्यूज एडिटर अरविंद शर्मा। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह जी, जिन्हें कांग्रेस ने मंत्री का दर्जा भी दिया था और जिस तरीके से सरकार 15 महीने में चली गई और हम उपचुनाव के दिल्ली पर खड़े हैं, उपचुनाव हो रहे हैं और लगातार जो जनसंपर्क है बड़े नेताओं का वो क्षेत्र में चल रहा है। हम उनसे करेंगे कुछ खास बातचीत। इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं अशोक सिंह जी? इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरह से वोटों की सरकार को नोटों की सरकार, नोटों में बदल के सरकार बनाई गई, वो बड़ा मुद्दा है। जिस तरह जनता, क्षेत्र की जनता को जनमत का अनादर किया है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके साथ साथ यहाँ का बच्चा ग्वालियर चंबल संभाग का कह रहा है कि वो किन कारणों से गए, वो आपको भी पता है, वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उस जनमत के अनादर का और उसको पैसों से खरीदने का जो काम किया, उसको लेके आपको आप देखेंगे कि 3 तारीख को यहाँ कितने ग्वालियर इस संभाग में कितनी भारी संख्या में हमारे MLA जीतने वाले। इनका आरोप है कि 15 महीने ना तो पैसे थे, ना प्रदेश में विकास हुआ, ना आपके मुख्यमंत्री इनसे मिलते थे। तो ये करते तो करते क्या, आप भी थे, आप लगातार मिलते थे, क्या होता था, क्या ऐसा जो बात कर रहे हैं वो सच है? मैं इस बात पे सार्वजनिक बहस करने को तैयार हूँ कि जो विधायक गए हैं वो जो आरोप लगा रहे हैं उस पे मैं सार्वजनिक बहस करने को तैयार हूँ। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि जब वो चाहें वो आपके मंच पे हमसे बहस कर लें। हम बताने को तैयार है कि वो कितनी बार कमलनाथ जी के पास जाते थे और कितने सार्वजनिक कामों की कहते थे, किस तरह से मतलब क्या किया है, वो मैं सब बताऊंगा आपको और मैं इस पे तो बहस करने को तैयार हूँ। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि वो मेरे से सार्वजनिक बहस इस मामले में कर लें, क्योंकि इन्होंने जनता का कितना काम किया है ये हमारे कार्यकर्ता बता देंगे। उनके हमारे कार्यकर्ताओं की कितनी बातें सुनी जाती थी, एक क्षेत्र का मामला नहीं है, जहाँ सामान्य तौर पर जो लोग गए हैं उन सब का हाल एक ही था कि वो आरोप लगाते हैं इस सरकार पर भ्रष्टाचार का। अरे भ्रष्टाचार तो सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों ने किया है। ये मतलब आम जनता इस बात को कह रही है। जिस तरीके से चलिए सरकार चली गई, 22 लोग, 23 लोग, फिर एक 24 लोग, एक अभी अभी गया है 2-3 दिन पहले, 4 और लाइन में, तो कांग्रेस कर क्या रही है? मध्य प्रदेश में जिस तरह की ये शुरुआत करी है, जिस तरह से खरीदने बेचने का बाजार लगाया है, मंडी लगाई है, ये आगे आने वाले समय में एक दिन उन्हीं को भारी पड़ने वाला है जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। ये मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ, आने वाले समय में ये आपको देखने को भी मिलेगा। तो अशोक सिंह ने यहाँ बड़ी बात की है कि जिस तरीके से लोकतंत्र में यह खरीदी बिक्री का खेल है, यदि ये चलता रहा तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा, आने वाला समय बताएगा। आमिर के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज़ बर्ड, डबरा।